श्री राधे। हिंदू सनातन धर्म में भगवान की मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है, और चूंकि हम सब गृहस्थी हैं, गृहस्थ होने के कारण हम सांगो पांग या अष्टायाम पूजन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी हम पूजन करते हैं उसमें श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धा वास है, और जो घर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है वो चल प्रतिष्ठा होती है, अचल सिर्फ मंदिरों में होती है। तो चल प्रतिष्ठा में आपको करना क्या है, प्रतिदिन सुबह उठकर सर्वप्रथम भगवान के दर्शन करना है। मंगल आरती अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्रयास करिए सूर्य उदय के होने से पूर्व आप भगवान का पूजन और उनका स्नान करा सकें। घर में सीमित, पहले तो सीमित भगवान रखें, अधिक भगवान रखने से श्रद्धा बढ़ती चली जाती, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, समय कई बार नहीं मिल पाता है तो वो भाव वहां फिर खत्म हो जाता है। हम जो शीघ्रता से भगवान का पूजन करके रख देते हैं वहां भाव नहीं होता है। और यहाँ पर कहा गया है, ना काष्टम विद्यते देवा ना पाषाणे विद्यते देवा भावो विद्यते देवा, भगवान ना लकड़ी में ना पत्थर में, भगवान भाव में है। इसलिए कम रखें, एक सदे सब सदे सब साधे सब बिसराए, कम भगवानों मंदिर में और उनका पूजन करें। और भोग देखिए, हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में पुराणों में या पाता स्मरणी पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी एक बात कही है कि भगवान को पूजा में षोडोपचार पूजन में यदि सर्वाधिक यदि कुछ प्रिय है तो वो है भोग प्रसाद। आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो प्रतिदिन भगवान को भोग लगा दीजिए, उसमें ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, भोग लगाने के लिए आपको आसन, क्या आसन देंगे आप? देखिए, कभी भी भगवान को भोग लोहे में अथवा अन्य किसी स्टील धातुओं में नहीं लगता है। प्रयास करिए, यदि आप सामर्थ्यवान है तो पीतल में लगाइए, तांबे में लगाइए, या फिर आप चांदी का, स्वर्ण का आप अगर ये ला सकते हैं, चांदी में लगाना विशेष महत्व बताया गया है। तो यदि आपको कि चांदी में लक्ष्मी का वास होता है, और भगवान को भोग देने से हमारे घर में जितनी दरिद्रता है वो दूर होती है, भगवान की कृपा मिलती है, और साथ में हमारे पापों का क्षय हो जाता है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं। तो जब आप भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उस समय अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो नाभ्या, हमारे शास्त्र में दिया गया नाभ्यासी दंत, ये भी नहीं बोल पा रहे तो सेना भवत बोलिए, ये भी नहीं कर पा रहे तो आग बंद करके 3 बार जल घुमाइए और कहिए, हे ठाकुर जी आप आकर हमारे इस भोग को स्वीकार करिए। इस प्रकार यदि आप भाव से भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भोग लगाने के उपरांत आप वहां से पर्दा लगाकर, दरवाजे लगाकर आप बाहर आ जाइए, 10 मिनट बाद जाकर आप देखेंगे तो भोग की थाली में आपको जरूर कुछ ना कुछ अंश मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद उस प्रसाद को अपने भंडारे में मिला दीजिए ताकि सभी लोग उस प्रसाद को पा सकें। इस प्रकार भगवान को भोग लगाएं, पूजन करें, और इस प्रकार पूजन करने से ही हमने देखा है कई घरों में तो भगवान लाके रख दिए, उन पर धूल जम रही, मिट्टी जम रही, और फिर कहते हैं कि हमारे घर में ये समस्या वो समस्या। अरे उनको मूर्ति मत मानिए, वो साक्षात भगवान है। अगर आप भगवान मान के लाए तो आप उनकी इस प्रकार से पूजन करिए, नहीं कर पा रहे तो फिर उनको भोग ही लगाइए। इस प्रकार पूजन करने से भगवान की विशेष कृपा मिलती है। श्री राधे।